डिस्कस करेंगे टावर थ्योरम। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे और देन हम इसके प्रूफ पर जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टावर थ्योरम, टावर थ्योरम सबसे पहले इसकी जो स्टेटमेंट है क्या है स्टूडेंट? स्टेटमेंट स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है? इफ इफ के लेस देन इक्वल टू एल लेस देन इक्वल टू एम देन डिग्री एंड डिग्री एम ओवर के इज इक्वल टू डिग्री ऑफ एम ओवर एल इंटू एल ओवर के। सो दिस इज अ स्टेटमेंट जिसमें क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट यार, इफ के लेस देन इक्वल टू एल लेस देन इक्वल टू एम देन द डिग्री ऑफ एम ओवर के इज इक्वल टू डिग्री ऑफ एम ओवर एल इंटू डिग्री ऑफ एल ओवर के। सो दिस इज अ स्टेटमेंट जिसमें क्या कहा जा रहा है कि एम क्या है, हमारे पास एक एक्सटेंशन है किसकी? एल की। और एल एक्सटेंशन है किसकी? के की। तो देन जो डिग्री होगी एम ओवर के की, जो डिग्री होगी वो इक्वल होगी डिग्री ऑफ एम ओवर एल इंटू एल ओवर के, यानी कि जो डिग्री एम ओवर के की जो डिग्री होगी वो इक्वल होगी डिग्री ऑफ एम ओवर एल इंटू एल ओवर के। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसकी स्टेटमेंट थी, अब हम इसके प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट। प्रूफ स्टूडेंट, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम इससे डिग्री को डिस्कस कर चुके हैं कि डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या होती है स्टूडेंट। तो डिग्री क्या होती है स्टूडेंट? जो डिमेंशन होती है उसी को हम किसका नाम देते हैं? डिग्री का नाम देते हैं। एंड डिमेंशन ऑफ अ फील्ड एक्सटेंशन ओवर फील्ड, यानी कि जो हमारे पास डिमेंशन होती है एक्सटेंशन की ओवर फील्ड, वही क्या होती है? डिग्री होती है। और डिमेंशन क्या होती है? द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन बेसिस, जितने एलिमेंट्स होते हैं बेसिस के अंदर उसी को हम किसका नाम देते हैं? डिमेंशन का नाम देते हैं। तो यह गिवन है कि एम एक एक्सटेंशन है, एम एक्सटेंशन किसकी? एल की। और एल एक्सटेंशन किसकी? के की। दिस इज अ गिवन, हमारे पास क्या है? एम एक्सटेंशन है एल की और एल एक्सटेंशन किसकी? के की। और यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट एम ओवर एल, एम ओवर एल की जो डिग्री है वो इक्वल है हमारे पास एम लेस देन इन्फानाइट और एल ओवर के की जो डिग्री है वो इक्वल है हमारे पास एन एंड लेस देन इन्फानाइट। यानी हमने डिग्री क्या ले ली इसकी? एम ओवर एल की जो डिग्री है वो एम ले ली और एल ओवर के की जो डिग्री वो हमने क्या ले ली? एम और लेस देन इन्फानाइट, इट मीन्स फाइनाइट हमने ले ली। देन हमारे पास बेसिक, इसकी बेसिक के अंदर एलिमेंट क्या आएंगे? देन एम हैज एल बेसिस, एम हैज एल बेसिस, इट मीन्स दैट इसके अंदर एलिमेंट क्या आएंगे? u1 u2 .um, ये इसकी बेसिस के अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे। एंड एल हैज के बेसिस, वो क्या आएंगे? वो आएंगे मेरे v1 v2 .vn, राइट। तो ये स्टूडेंट इसमें क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि हमारे पास m और l की जो डिग्री है वो क्या है? m है। और l ओवर k की जो डिग्री है वो क्या है हमारे पास? n है। देन हमारे पास m, देन m हैज l बेस, इट मीन्स दैट जो हमारे पास बेसिस होंगी m की, बेसिस होंगी ओवर फील्ड l, वो क्या होंगी? वो हमारे पास u1 u2 um होंगी। और इसी तरह हमारे पास जो l की बेसिस है ओवर k वो क्या होंगी हमारे पास? v1 v2 vn। तो ये स्टूडेंट हमने
इसकी बेसिस ले ली, यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर स्टूडेंट एम और एल की जो बेसिस ली है वो क्या है हमारे पास, वो हमने ले ली यू आई, और एल ओवर के की जो हमने बेसिस ली है वो क्या है हमारे पास बेसिस, इसको हम ना देते वी जे का, ठीक है, वेयर आई फ्रॉम वन से लेकर एम एंड जे फ्रॉम वन से लेकर एन। तो ये स्टूडेंट हमने सपोज किया, और हम प्रूव क्या करना चाहते हैं, हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि जो हमारे पास बेसिस होंगी, बेसिस यू आई वी जे, ये हम प्रूव करना चाहते हैं स्टूडेंट, ये हम प्रूव करना चाहते हैं कि हमारे पास जो बेसिस होंगी एम और के की जो बेसिस होंगी वो क्या होंगी, हमारे पास यू आई होंगी और वी जे होंगी। इट मीन्स दैट यहाँ पर इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, ये एम तक है, इसके अंदर हमने देखा ये हमारे एम एलिमेंट है, और इसके अंदर हमने एन एलिमेंट लिए, और इसके जो बेसिस के अंदर एलिमेंट कितने आएंगे, एम एन एलिमेंट्स आएंगे, ये हम प्रूव करना चाहते हैं स्टूडेंट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास क्लेम क्या है, क्लेम क्लेम क्या है हमारे, यू आई वी जे फॉर्म बेसिस बेसिस फॉर एम एम ओवर ओवर के एम ओवर के, वेयर हमारे पास आई की जो वैल्यू है वो क्या है, आई की वैल्यू वन और एम के दरमियान में है, और जे की जो वैल्यू है वो क्या है, एन और वन और एन के दरमियान में है। तो इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, बेसिस के लिए फर्स्ट फॉर स्पेनिंग फॉर स्पेनिंग स्पेनिंग के लिए क्या करते हैं, टेक टेक W बिलोंग देन, हमने W किस में से ले लिया, M में से ले लिया, देन हमारे पास W इज इक्वल टू समेशन I फ्रॉम वन से लेकर M, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास CI आई टू यू आई, वेयर हमारे पास CI बिलोंग टू L, राइट। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या किया हमने, हमने इसको पहले क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे स्पैन और फिर हम इसको लीनियर इंडिपेंडेंट, क्योंकि हम इसको क्या प्रूव करना है, बेसिस, और बेसिस के लिए क्या होना चाहिए कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए उसके साथ, स्पैन करना चाहिए स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको स्पैन करा रहे हैं, तो इसके लिए हमने एलिमेंट ले लिया W। अब चूँकि हम एम ओवर एल जो एक्सटेंशन इसकी बेसिस के अंदर हमें दिए गए यू आई एलिमेंट्स, इट मीन्स दैट बेसिस के अंदर है, इट मीन्स दैट कि ये हमारे पास क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं और ये स्पैन भी हो रही हैं। तो इस वजह से हमने इसको क्या लिख दिया, इसको हमने फाइनाइट लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि ये हमें गिवन है कि ये हमारे पास इसकी जो बेसिस है वो क्या है, यू आई है, यानी इसकी बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, यू आई हैं। तो इस वजह से हमने इसको फाइनाइट लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया, और वेयर हमारे सी आई जो है वो बिलोंग कर रहा है एल। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पर स्टूडेंट सी आई बिलोंग कर रहे हैं, सी आई बिलोंग कर रहे हैं एल से, और एल हमारे पास क्या इट सेल्फ एक क्या है, एक्सटेंशन है के की, एल क्या है इट सेल्फ एक एक्सटेंशन है किसकी, के की। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हमारे पास दिस इम्प्लाई दैट W इज इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम वन से लेकर एम इंटू समेशन जे फ्रॉम वन से लेकर एन डी आई जे वी जे इन यू आई, वेयर हमारे पास यू आई, इधर हमारे पास डी आई जे, ये बिलोंग करेगा किससे, के से, राइट। अब यहाँ पर क्योंकि स्टूडेंट हमें सी आई जो है हमें दिया हुआ है कि सी आई बिलोंग करेगा किससे, एल से, और एल क्या है इट सेल्फ एक एक्सटेंशन है किसकी, के की, एक्सटेंशन के की, और इसकी बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, वी जे,
बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, vj आ रहे हैं, इट मीन्स दैट कि हम इसको भी फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या बना रही है, इसकी बेसिस बना रही है, यानी इसकी बेसिस है एल की ओवर के, तो इस वजह से हमने सी की जगह पर हमने क्या लिख दिया, इसको फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म, इसकी जो फॉर्म थी उसको हमने लिख दिया कि हम इसको एल की जो बेसिस हैं उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आ जाएगा दिस इम्प्लाई दैट W इज इक्वल टू समेशन आई कॉमा जे, इधर हमारे पास क्या आएगा, डी आई जे यू आई टू वी जे, ठीक है, कि हम इसको इस फॉर्म में, यानी इसको रेंज करके किस हम की फॉर्म में लिख दिया आई कॉमा जे, और वे आई की वैल्यू हमें पता है, आई की वैल्यू क्या है 1 से लेकर m है, और जे की वैल्यू क्या है 1 से लेकर n है, तो फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया, यहाँ से हम कहेंगे कि ये क्या हो रहे हैं, स्पैन हो रहे हैं, राइट, क्योंकि हमने क्या किया, जो वी आई और वी जे है इसको हमने लिख दिया किसके अंदर, फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, तो यहाँ से हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या हो रही है, स्पैन हो रही है, क्योंकि हमने इसको फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा क्या है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि हम इसको क्या प्रूव करना चाहते हैं, हम इसको प्रूव करना चाहते हैं ये बेसिस है इसके m की ओवर k की, क्या यू वी आई और वी जे बेसिस है किसकी, m ओवर k की बेसिस है, हम यहाँ पर इस बेसिस के लिए क्या होना चाहिए, वो स्पैन करनी चाहिए और उसके साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो इस वजह से हमने इसको पहले स्पैन करा दिया, इसको हमने फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया, और यहाँ से हम कहेंगे ये क्या हो रही है, स्पैन हो रही है वी आई और वी जे, अब हम इसको प्रूव करेंगे ये वी आई और वी जे जो है ये हमारे पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसके लिए देखते हैं स्टूडेंट क्या है, फॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब फॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या करते हैं, सपोज दैट समेशन आई कॉमा जे इधर हमारे पास डी आई जे वी जे क्या आएगा, यू आई इज इक्वल टू जीरो, राइट, देन हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, समेशन I from 1 से लेकर m into summation j from 1 से लेकर n, इधर हमारे पास क्या आएगा, d i j to v j, ये क्या आ जाएगा, यू आई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास यू आई क्या है, बेसिस है, इट मीन्स दैट कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो यहाँ से क्या कहेंगे, इसके जो कोफिशेंट हैं वो क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, एज यू आई आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फॉर एम ओवर एल, ये हमारे पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि बेसिस है, तो बेसिस के अंदर क्या है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगी और क्या होंगे, स्पैन भी हो रही होंगी, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है इट मीन्स दैट इसके जो कोफिशेंट हैं वो क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, यहाँ से दिस इंप्लाई दैट इसके कोफिशेंट क्या आ रहे हैं, ये इसके कोफिशेंट होंगे, यहाँ से हम लिखेंगे समेशन जे फ्रॉम 1 से लेकर एन डी आई जे, इधर क्या आएगा, वी जे इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट, क्योंकि हमारे पास यू आई क्या है, यू आई हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसके जो कोफिशेंट होंगे वो क्या होंगे, ज़ीरो होंगे स्टूडेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, बट वी जे आर बेसिस फॉर एल ओवर के, ठीक है, हमारे पास वी जे क्या है, बेसिस है किसकी, एल ओवर के, इट मीन्स दैट कि इसके कोफिशेंट भी क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, दिस इम्प्लाई दैट इसके जो कोफिशेंट है, यानी डी आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो, कि इसके कोफिशेंट भी क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, क्योंकि हमारे पास, यानी पास ये क्या है,
बेसिस हैं वी जे और बेसिस हैं तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो यहाँ से हम कहेंगे इसके जो कोफिशेंट होंगे वो क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। देयरफॉर यू आई वी जे फॉर्म बेसिस फॉर एम आवर के, ये क्या है बेसिस बना रही किसके लिए, फॉर एम ओवर के लिए क्या कर बना रही, बेसिस बना रही है और इसके बेसिस के एलिमेंट हमने लिए हुए हैं आई जे की जो वैल्यू है फ्रॉम वन से लेकर एम है, आई की वैल्यू जो हमारे वन से लेकर एम थी और जे की जो वैल्यू वन से लेकर एन है, इट मीन्स दैट इसकी जो बेसिस के अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो एम एन एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये हमारे पास स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था, तो इसके अंदर हमने किया क्या स्टूडेंट, सबसे पहले हमने ये लेट कर लिया कि हमारे पास जो बेसिस हैं एम ओवर एल की बेसिस क्या है यू आई है और एल ओवर के की जो बेसिस है वी जे है। हम प्रूव ये करना चाहते थे कि इसकी जो बेसिस हैं क्या है एम ओवर के की जो बेसिस हैं वो इक्वल होंगी यू आई के यू आई एंड वी जे, यानी इसकी बेसिस क्या होगी यू आई वी जे के इक्वल होंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिस लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उसके साथ स्पैन होना चाहिए। तो हमने इसको क्या पहले प्रूव किया, हमने इसको पहले स्पैनिंग इसको हम प्रूव किया कि ये क्या हो रहा है स्पैन हो रही है और उसके बाद हमने इसको प्रूव किया कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा थ्योरम था, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसको हमने बार बार आगे यूज़ करना है। जब भी हमें डिग्री के बारे में कहा जाएगा कि आप डिग्री फाइंड करें किसी भी एक्सटेंशन की तो हम वहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम फील्ड एक्सटेंशन के किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.